तो मैं आज बनाऊंगा आलू और कैप्सिकम का रेसिपी। तो पहले आलू और कैप्सिकम को अच्छे से काट के क्लीन कर लेंगे। तो अभी हमने कढ़ाई में तेल डालेंगे स्टार्ट। अभी कैप्सिकम को फ्राई कर लेंगे। अभी कैप्सिकम फ्राई हो चुका है अच्छे से, कैप्सिकम को निकाल लेंगे। आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को अच्छे से धो लिया। तो आलू में अभी हल्दी नमक, हल्दी और नमक मिला लेंगे। पहले हल्दी डालेंगे तो नमक डालेंगे। अभी आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुका है, अभी आलू को निकाल लेंगे। काला जीरा डाल देंगे। अभी थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इलायची, लौंग, दालचीनी का ये जीरा डाल दिया। अभी सौंफ डालेंगे। अभी प्याज को डाल देंगे। अभी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएगा। हमने नहीं काटा है, बीच में से दाग दे दिया। तो अभी हम लोग का प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अभी टमाटर कट कर रखा था, टमाटर डाल देंगे। अभी चिली चिली पाउडर डालेंगे अब चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे अभी हाफ चम्मच। धनिया पाउडर डालेंगे। पानी थोड़ा सा डाल के अच्छे से पका लेंगे। मसाला को फ्लेम हाई कर देंगे। तो अभी हम लोगों का मसाला बन के रेडी हो चुका है। अभी आलू और कैप्सिकम को हमने फ्राई करके रखा था, तो मैंने अभी आलू और कैप्सिकम को मसाला में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई करके अभी इसको अच्छे से कस लेंगे, आलू और कैप्सिकम को। अभी दही डाल देंगे। एक गिलास पानी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता काट कर रखा था ग्रेवी में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से उबाल लेंगे। अभी ग्रेवी में थोड़ा सा उबाल आया है, अभी इसको ढक देंगे। ढक के अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो हम लोगों का ग्रेवी अभी बन के रेडी हो चुका है। अभी ग्रेवी को निकालेंगे। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी ग्रेवी को निकालेंगे निकालेंगे होगा। आलू और कैप्सिकम का ग्रेवी बन के रेडी हो चुका है। तो मेरा आलू और कैप्सिकम बनाने का जो प्रोसेस है, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी घर में बनाइए ऐसे आलू और कैप्सिकम का इजी रेसिपी। सो बाय बाय।